राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल संगीता त्यागी ब्लॉग्स में। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद इस तरीके से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो चलिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और आज डुगू खाना लेके अभी चला गया, लंच लेके मीन्स वो स्कूल के लिए निकल गया है। अब वही मेरा काम स्टार्ट हो गया है, तो सुबह से ही काम स्टार्ट हो जाता है। तो आज मुझे मेहंदी भी लगानी है बालों में, क्योंकि ग्रे हेयर्स दिखने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी मैं बनाऊंगी चाय। तो यहाँ पे ये मैंने फ्राइंग पैन रख रखा है, बट अभी पानी वानी कुछ नहीं डाला, क्योंकि मैंने पीने के लिए गर्म पानी किया था, बस वही है। तो पानी भी नहीं पिया मैंने, और घर सारा फैल रहा है, तो उसे बस समेटना है। किचन भी फैल रही है। तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ इनके लंच के लिए सब्जी। तो यहाँ से मैं पानी ले लेती हूँ अपना। मुझे याद ही नहीं रहा, डुगू के कपड़े प्रेस किए थे तो मैंने यही रख दिया था। तो मैं पी लेती हूँ पानी, बैठ के पीना चाहिए बट सुबह सुबह कुछ नहीं हो पाता। तो चलिए, किचन फैल रही है इस तरीके से, ये किचन फैल रही है डुगू के लिए। मैंने आज क्या बनाया, मेथी का पराठा बनाया है। अब वो दोपहर में बोल रहा था कि मुझे आज मम्मी पनीर रोल खाना है उसको, तो जब वो स्कूल से आएगा तो उसके लिए रोल बना दूंगी। तो आज तो मेथी का पराठा उसको लंच में दे दिया है, क्योंकि लेट हो रही थी इसलिए। तो मैंने कहा रोल मैं दोपहर में बना दूंगी, ऐसे तो बहुत जल्दी बन जाता है रोल। उसकी रेसिपी मैं शेयर करूंगी। और ये है ये, और मैं यहाँ पानी रख देती हूँ। तो अब मैं रख देती हूँ इसमें 1 कप पानी। तो मेरे उनके लिए चाय हो जाएगी, ये आएंगे तब तक चाय बन जाएगी। और इधर मैं सब्जी छौंक देती हूँ। तो मैंने रात में जो ग्वार की फली होती है ना, वो बना के रख ली थी। हमारे यहाँ उनको कुत्ती की फली भी बोलते हैं। तो सॉरी, एक तो मेरी तबीयत ख़राब इतनी चल रही है ना, दीपावली से ही ख़राब हो गई थी, तो बस वही कफ कोल्ड हो रखा है, सभी को हो रहा है। तो ये देखिए, ये मैं इस तरीके से ना डब्बे में ये मैंने रात को ही बना के रख दी थी। 12 12:30 बजे तक मैंने इनको बना के रख दिया था। मैंने धो के वॉश करके और छोंक देती हूँ। इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, सिंपल सी नॉर्मल सी बनानी है। प्याज व्याज का तड़का देके बस, दैट्स इट, और तो कुछ नहीं करना। तो फटाफट से मैं चाय बना लेती हूँ और इसे रख देती हूँ, और मिलते हैं आपसे आगे। सुबह सुबह बहुत हेक्टिक हो जाता है। आज थोड़ा लेट भी हो गई थी, रात को लेट नींद आई थी, थोड़ी सी एडिटिंग भी कर रही थी। व्लॉग्स भी लेट हो जाते हैं कभी कभी, और इतना सारा काम हो जाता है ना। तो अब ये बर्तन यहाँ मैंने रात को धो दिए थे, अभी मैं बास्केट्स में डाल दूंगी। और तो बर्तन मैंने रात को ही धो दिए थे, अब मैंने बास्केट में डाल देती हूँ। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, चाय बना लेते हैं फटाफट से। मैंने कितनी बार बोल दिया चाय बनाना। बालों में मेहंदी लगानी है, तो मेहंदी मैंने यहाँ घोल के रख दी है। ये देखिए, लोहे की कढ़ाई नहीं है, छोटी सी मेरे पास, मैंने इसी में मेहंदी घोल के रख दी है। तो मेरा 6 7 महीने बाद मेहंदी लगा रही हूँ मैं, मुझे ना लग ही नहीं पाता मेहंदी वगैरह कुछ भी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, पहले सब्जी छौंक के, फिर लेट हो जाऊंगी मैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये बन गई है हमारी चाय, और यहाँ सब्जी छौंक दी है। तो चलिए अब मैं चाय छान लेती हूँ। और ये भी आ गए डुगो को छोड़ के फटाफट से। और सुबह सुबह किचन इतना फैल जाता है, और मिठाइयाँ इतनी इकट्ठी हो गई हैं ना। अगर दीपावली तक हमारे यहाँ सोन पापड़ी नहीं आई थी, तो बोलते हैं ना जब तक दीपावली पे सोन पापड़ी ना आए तब तक त्यौहार अधूरा है। तो हम लोग आए थे तो बगल वाली आंटी हमें फिर सोन पापड़ी दे गई थी। तो ये नीचे 2 डब्बे रखे हैं, अभी मैंने खोले भी नहीं है, ये पैक्ड रखे हैं ये दोनों। इसलिए ख़त्म हो गया, तो ये बॉक्स मैं यूज़ में ले लूँगी। इसमें मैंने होममेड बर्फी बनाई थी मावे की। तो चलिए छान लेते। तो अभी सारा किचन मैसी हो रहा है, तो मैं बस क्लीन करूँगी इनका लंच तैयार करने के बाद, तो इसलिए मैंने इसे क्लीन नहीं किया है। तो चाय ले लेते हैं, चाय छान दी है। और ये कप अभी हम लोग वहाँ गए थे घूमने, विशाल गए थे, तो वहाँ से लेके आई हूँ।
हाँ व्लॉग मैंने शेयर कर दूंगी आज, तो बहुत रीजनेबल रेट पे मिल जाते हैं वहाँ सामान। कपड़ों का मुझे नहीं अच्छा लगता वहाँ पे, कपड़े ज़्यादा वहाँ के कपड़े मुझे ठीक नहीं लगते, बट जो घर के सामान है ना वो काफ़ी अच्छे हैं। तो ये ले ली है मैंने चाय, तो चलिए हम पी लेते हैं चाय। और ये भी आ चुके हैं। हाँ जी गुड मॉर्निंग जी। लो जी, ओ फैल गई होती अभी तो, ये मैंने रात को यहीं रख दिए थे। अब सारा घर क्लीन करना है, पूरा घर फैल रहा है। आज लगाऊंगी मेहंदी, उसके बाद काम वगैरह सारा हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, डस्टिंग हो गई, और मैंने नहा लिया, मेहंदी लगाई थी, हेड वॉश भी कर लिया है, शैम्पू नहीं किया है, सिर्फ पानी से वॉश कर लिया है, और जो भी सारे काम थे सारे हो गए हैं मेरे। तो चलिए अब मैं ले आती हूँ डुगू के। डुगू को लाने से पहले सबसे पहले मैं उसके लिए बना लेती हूँ चिली पनीर रोल, वो आज बोल के गया था तो चलिए बना लेते हैं। नाश्ते में नहीं दिया था उसको, और इनके लिए तो ग्वार की फली बना दी थी, तो चलिए बना लेते हैं। और चलिए मिलते हैं किचन में, और फिर उसके बाद डुगू को ले आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो चलिए हम बना लेते हैं चिली पनीर रोल। तो उसके लिए हमें ले लेना है थोड़ा सा आटा, तो आटा ले लेना है, ये मैंने 1.5 कटोरी आटा लिया। आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम थोड़ा हेल्दी बना रहे हैं, तो उसमें डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच घी ऐड कर देंगे। तो घी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो मिक्स कर लें अच्छी तरीके से, इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। तो और ये आटा हमें मतलब जैसे रोटी और पराठे के लिए लगाते हैं वैसे ही लगाना है, और पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करें, जैसे कि मैं पहले बोल रही थी आपसे। तो इससे क्या होगा, एक साथ आप आटा मतलब पानी डाल देंगे तो ज़्यादा पतला हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें। ये आटा गूंद गया है, अब इसको हम साइड में रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं चिली पनीर रोल की। तो उसके लिए मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई में आप जो ऑयल खाते हो, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मतलब जो भी ऑयल आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा ऑयल। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग। तो ज़ीरा नहीं डाला इस बार मैंने, तो थोड़ी सी हींग डाल दें। और ये ले लिया मैंने शिमला मिर्च, प्याज और थोड़ा सा पनीर। आप चाहे जो भी वेजिटेबल आपके घर में वो ऐड कर सकते हैं, लाइक गाजर, बीन्स, ये सारी चीज़ें। तो मेरे पास जो थी मैंने वो डाल दी। तो उसके बाद शिमला मिर्च डाल दी है, शिमला मिर्च के बाद हम इसमें थोड़ा सा पनीर डाल देंगे। और इसको मतलब इसका कच्चापन दूर करना है, इसको ज़्यादा नहीं भूनना, तो बस थोड़ा सा फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें पनीर ऐड कर देंगे। तो वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस से डाल सकते हैं, जो आपका बच्चा खा लेता हो वह वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। तो ये सब डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक डालने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी मिर्ची, मतलब आधा चम्मच मिर्ची डालेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी सी मिर्ची ऐड करेंगे। थोड़ा सा आधा चम्मच धनिया पाउडर। तो हमने इसमें जितने भी मसाले डाले हैं उनको मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसमें ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं सिंपल सा बना रही थी तो इसलिए मैंने ऑरिगेनो ऐड नहीं किया। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच मेयोनीज ऐड करते हैं। अगर आपके पास मेयोनीज नहीं है तो आप इसकी जगह पर जो दूध पर मलाई होती है वो ऐड कर दें 1 चम्मच, तो सेम वही टेस्ट आ जाता है। और 1 चम्मच सॉस ऐड कर दें। तो यहाँ मैं सॉस ऐड कर दे रही हूँ। उसके बाद हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें सोया सॉस भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे यहाँ उस टाइम ख़त्म हो गई थी तो इसलिए मैंने ऐड नहीं की थी। तो मतलब जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों तो उन चीज़ों से आप अच्छा नाश्ता, लंच, ब्रेकफास्ट, ये चीज़ें बना सकते हैं। तो हमारी जो स्टफिंग है बनके तैयार हो गई है। तो हम ले लेते हैं आटा, उसका पेड़ा बना लें और मैदा से डस्ट कर दें। मैदा या आटा जो भी आप लें उसे डस्ट कर दें, और इसको पतला बेलना है, जितना पतला हो सकता है उतना पतला बेलें इसको, और मैदा डस्ट करते रहें जिससे कि ये इजीली बेल जाए, नहीं तो ये चिपकने लगता है ना ज़्यादा, मतलब सूख एकदम से ढीला ढीला हो जाता है आटा, तो वो चिपकने लगता है, इसलिए थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लें और इसको पतला पतला बेल लेना है। तो पतला बेलने के बाद आप इसको तवे पर डाल दें। तो इसको मीडियम फ्लेम पर भी सेकना है, ज़्यादा कड़क नहीं करना है, थोड़ा सॉफ्ट ही रहे, मुलायम सा ही सेकना है हमें।
तो हल्का सा इसमें जो रिफाइंड है या जो भी ऑयल आप खाते हो, जिसमें भी पराठा सेकते हो वो यूज़ कर लें, तो थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना है। तो इसको मतलब इसका कच्चापन दूर करना है, इसको क्रिस्पी नहीं करना है, बस इतना ही। तो इस तरीके से इसको सेक लेना है, दबा दबा के स्पैचुला से दबा दें तो अच्छे से सिक जाएगा। तो ये हमारा सिक के तैयार हो गया है, तो हम इसे प्लेट में रख लेते हैं। और इसमें हम डाल देंगे एक मतलब आधा सा चम्मच, आधे से कमी है, मेयोनीज ले लेना है और थोड़ा सा सॉस ले लेना है। अगर आपके पास मेयोनीज नहीं है तो यहाँ भी आप मलाई यूज़ कर सकते हैं, दूध वाली जो क्रीम बोलते हैं। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को स्प्रेड कर लें इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, और जो भी स्टफिंग हमने बनाई है तो वो इसमें फिल कर दें। इस तरीके से इसके बीच में रख देनी है। तो बहुत ही जल्दी ये जो लंच है, ब्रेकफास्ट जो भी आप चाहें बन के तैयार हो जाता है। जो भी आप बोलना चाहें, लंच में खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में, कभी भी खा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लंच में ही देना है या जो भी है, जब आपका मन करे तब आप इसको बना के खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल और ईजी है। और बीच में से इसको कट कर दें जिससे कि बच्चे इसको ईजीली खा सकते हैं और लंच में पैक कर दें। तो ये मैं इसके लिए लंच में बना रही थी खाने के लिए, क्योंकि वो मुझे सुबह बोल के गया था, इसीलिए मैंने इसको अब बनाया है। तो डुगू भी स्कूल से आ गया, उसने भी चिली पनीर रोल खा लिया है। अच्छे बने थे काफ़ी, बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी। और क्या किया उसके बाद, आज मैंने कर्टन लगाए हैं। और ये देखिए, मैंने मेहंदी लगाई थी, मन कर रहा था ऐसी तो मैंने लगा ली। कोन रखी थी एक्चुअली, मैं करवा चौथ की बची थी कोन, तो मैंने कहा लगा लेती हूँ, अभी एक दो और पड़ी है तो फिर लगा लेंगे, कोई नहीं। और नेल पेंट लगाई है ये तो। और क्या, हाँ मैं कर्टन बता रही थी, मैंने ऑनलाइन कर्टन मंगाए थे किचन के लिए, तो कर्टन आ गए थे आज, तो मैंने हैंग कर दिए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसे लग रहे हैं, मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। तो किचन में ना मुझे ट्रांसपेरेंट थोड़े से कर्टन लगाने थे, तो नेट के कर्टन मुझे मिल गए थे, तो मैंने ये यहाँ पर हैंग कर दिए हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप यहाँ ड्राइंग रूम में जब कोई बैठा होता है तो किचन में काम करते हैं तो सीधा किचन में दिखाई देता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने सेपरेशन के लिए और प्राइवेसी के लिए ये लगा दिए हैं। तो दे देखिए, तो कर्टन लगाने से रूम का लुक ही चेंज हो गया है। ओडुकू खाना खा के सो गया था, वो अभी भी सो रहा है। और मैं बनाऊंगी अब चाय वाय, और थोड़े बहुत बर्तन है किचन में वो साफ करूंगी। तो ये देखिए बर्तन मोस्टली तो सारे साफ कर दिए थे, बस इसके लंच वंच के बर्तन है वो साफ करूंगी, और इन्हें बास्केट्स में डालने हैं, सारा पानी निकल गया है। तो मैं करती हूँ अब इस व्लॉग का एंड। तो चलिए मैं चाय बनाने जाऊँगी थोड़ी देर में, ये भी आने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरा गला ना थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, मतलब कफ सा हो गया है जुकाम की वजह से ना। तो चलिए, और ये रखे हैं बुद्धा जी। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर।